नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने वोटर कार्ड अप्लाई किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। मैं दो स्टेप में आपको सिखाने वाला हूँ, दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका होगा वेबसाइट के जरिए आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, दूसरा जरिया रहेगा आपका ऐप के जरिए कैसे ट्रैक कर पाएंगे। पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वोटर आईडी कार्ड की एप्लीकेशन के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको अपना वोटर कार्ड एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है NVSP लिख के सर्च कर लेना है आपको। जैसे ही आप NVSP सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको नीचे की तरफ आपको आना है, और नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। डेस्कटॉप साइड में आप करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दोबारा ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप सेट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है, रेफरेंस नंबर जो आपके मोबाइल मैसेज पे आया हुआ है। तो चलिए हम रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं। आपको ध्यान से रेफरेंस नंबर डालना है ताकि आपको आपकी डिटेल जो है पता लग सके। डालने के बाद ट्रैक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा ग्रीन टिक आएगा, और जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तो ये लास्ट वाले जो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर ग्रीन पहुँचेगा। चलो मैं एक और आपको चेक करके दिखाता हूँ। जिस तो ये पूरा कम्प्लीट होने के बाद ये कैसे दिखेगा, मैं एक और आपको वोटर आईडी कार्ड दिखा देता हूँ करके। ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो यह ऐसा सिग्नल आ जाएगा। जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तो यहाँ पर पूरा चारों स्टेप हो जाएंगे और यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप हो गया हमें वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन चेक करने का स्टेटस। अब सेकंड हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको वोटर हेल्पलाइन सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों इसे आपने ओपन कर लेना है सिंपली सा। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च योर नेम, यहाँ पर आप डिटेल वाइज भी सर्च कर सकते हैं, और आपको यहाँ थ्री डॉट्स देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डाल लेना है। देखिए जैसे ही डालेंगे, ट्रैक करेंगे, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। जब आपका बन जाएगा, बनने के बाद दोस्तों यहाँ आपको यहाँ ट्रैक कर लेना है। ट्रैक जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, ये दोनों ऐप मेथड से आप अपने ट्रैक कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन को। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।